रेडिगो डाटसन के लिए एक तरीके से एक लाइफ सेवर साबित हो चुकी है। जब ब्रांड की शुरुआत हुई थी इंडिया में तो उन्हें सबसे पहली बार लाई डाटसन गो और उसके बाद 2015 में आई डाटसन गो प्लस। दोनों गाड़ी काबिल जरूर थी लेकिन कॉम्पिटिशन के सामने थोड़ी फीकी पड़ गई। इसलिए जब मंथली सेल्स फिगर्स की बात करें तो फिर डाटसन गो बिकती है 500 से 800 यूनिट, गो प्लस बिकती है 400 से 600 यूनिट और रेडिगो अपने आप से बिकती है 1500 से लेकर से 2400 यूनिट तक। गाड़ी में ज्यादा पावर है, ज्यादा टॉर्क है और परफॉर्मेंस तो बेहतर होगा ही, और उसके अलावा प्राइस भी थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन पूछने की बात यह है कि इसके सारे बेनिफिट सिर्फ ब्रोशर पे कहने वाली बात है या फिर असल में गाड़ी के एक्सपीरियंस को बेहतरीन बनाती है, चला के ही पता चलेगा। आइए देखते हैं। गाड़ी की स्पेक्स की तरफ गौर फरमाएं तो सारे फिगर्स आपको थोड़े जाने पहचाने से लगेंगे क्योंकि इसमें यही इंजन है जो क्विड 1 लीटर में जाती है, तो पावर और टॉर्क फिगर्स भी समान है। तो क्या 1 लीटर इंजन आने से आपको कोई फर्क महसूस होता है? बिल्कुल। शुरुआत से जब आप इग्निशन में चाबी डाल के घुमा करके इंजन को शुरू कर देते हैं तो फिर जो वाइब्रेशंस और हार्शनेस की लेवल है वो थोड़ी कम हो गई है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से चली गई है क्योंकि अभी तक स्टीयरिंग व्हील में से, दरवाजे में से, डैशबोर्ड में से वाइब्रेशंस और हार्शनेस की थोड़ी बहुत हिंट्स आती रहती है। गियर लेवल से नहीं है लेकिन फिर भी पहले से बेहतर हो चुकी है। उसके अलावा जो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है वो है थ्रॉटल रिस्पॉन्स। अगर आपने 0.8 रेडिगो चलाई हो तो आपको ये पता होगा कि जब आप सिग्नल से शुरुआत कर रहे हैं, एक्सेलेटर आपने थोड़ा सा दबा दिया तो पहले कुछ सेंटीमीटर से कुछ नहीं होता, मुश्किल से कुछ भी ताकत मिलती है इंजन में से। थोड़ा सा और आपने एक्सेलेटर दबा दिया तो झटके से पावर आ जाते हैं, वो इम्प्रूव हो गया। ये थोड़ा अभी स्मूथ हो गया, थोड़ा रिफाइंड हो गया, थोड़ा बेहतर हो गया ताकि झटके ना लगे चलाते समय। तीसरी बात, मिड रेंज परफॉर्मेंस। समझ लीजिए कि आप पहाड़ी इलाके में चला रहे हैं या फिर शायद से आपकी गाड़ी में पैसेंजर लोड है और लगेज भी बहुत है, तो उस समय पे अगर आप एक्सीलेटर को दबाएं तो फिर बहुत स्ट्रगल करती है 0.8 लीटर इंजन। इसमें थोड़ा और आसान हो गया क्योंकि मिड रेंज परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गए, डाउनशिफ्ट करने की जो आवश्यकता है वो कम हो जाती है, तो उससे भी ड्राइविंग की एक्सपीरियंस और इंप्रूव हो चुकी है, खास करके अगर आप पैसेंजर लोड के साथ देखेंगे। तो हाईवे पर आप जब गाड़ी चलाएंगे तो फिर 100 किलोमीटर की रफ्तार, 80 किलोमीटर की रफ्तार आप ज़्यादा आसानी से पकड़ सकते हैं। 0.8 में बात यह हो जाती है कि जब आप एक्सेलेटर दबाते हैं तो फिर आपको उसको दबा करके रखना पड़ता है सेकेंड गियर में, फिर थर्ड गियर में, बार बार 4000 आरपीएम के पास में जाना पड़ता है। 1 लीटर इंजन में वैसी बात नहीं है, आप बड़े आराम से हल्के से एक्सेलेटर दबा करके आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल जाती है। तो इंजन पे स्ट्रेन जो है, जो एक तरह की स्ट्रेस जो लग जाती है इंजन पे और आप पे भी, वो कम हो जाती है। तो क्या 1 लीटर इंजन आने से ये एक एंथुजियास्ट के लिए गाड़ी बन गई है? मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि जो परफॉर्मेंस है वो अक्रॉस द रेंज स्प्रेड करके एक रिफाइनमेंट और एक मैच्योरिटी लाती है। परफॉर्मेंस को आउटराइट ऐसे हेयर रेजिंग नहीं बनाती, आपको ऐसे चौंका देने वाली परफॉर्मेंस नहीं है इसमें, बस थोड़ा रिफाइंड और स्मूथ बना देती है। हैंडलिंग पैकेज भी अगर आप देखेंगे तो फिर 0.8 रेडिगो जैसी ही है। तो स्टीयरिंग शहर में चलाने के लिए बहुत हल्की है, जब आप हाईवे पे चलाएंगे तो फिर थोड़ा सा वजन मिलता है स्टीयरिंग पे, थोड़ी और होते तो फिर बेहतर होता, और इतना फीडबैक भी नहीं है, लेकिन बजट कार के लिए ये बिल्कुल ठीक है। और जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है 185 मिलीमीटर, इसकी बदौलत आपको बड़े पत्थर, स्पीड ब्रेकर, खराब रास्ते, पॉट होल्स, किसी चीज़ से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ में, क्योंकि गाड़ी थोड़ी ऊंची बैठी हुई है, अगर आप कोई कॉर्नर को तेज़ी से लेंगे तो आपको थोड़ी टॉप हैवी लगती है, लेकिन मैनेज करने के लिए बहुत आसान है। और ये गाड़ी शहर में चलाने हो या फिर हाईवे पे, प्यार से चलाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर क्या ज़्यादा पावर और ज़्यादा टॉर्क ला करके ये गाड़ी की एक्सपीरियंस और बेहतर हुई है? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन क्या इस गाड़ी में और कुछ यूनिक है? 1 लीटर डाटसन रेडिगो सिर्फ TO और S वेरिएंट्स में अवेलेबल है। फीचरलेस रेडिगो 0.8 के समान है, तो आपको AC, पावर स्टीयरिंग और ऑक्स USB FM सपोर्ट करने वाला म्यूजिक सिस्टम जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन ज्यादा ताकतवर क्विड में ज्यादा फीचर्स भी हैं। सेंट्रल लॉकिंग, रिमोट कीलेस एंट्री और ब्लैक इंटीरियर जैसे फीचर्स रेडिगो 1 लीटर में दिए गए हैं। हालांकि ये गाड़ी के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव जरूर करती है, ABS और पैसेंजर एयरबैग ना होना अच्छी बात नहीं है। और कुछ नहीं तो इंटरनली एडजस्टेबल विंग मिरर्स तो देनी चाहिए थी। बात अगर स्पेस की करें तो 4 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। सीट्स में बैक और अंडर थाई सपोर्ट काफी अच्छा है,
और अगर आपकी हाइट 6 फुट से कम है तो लेग रूम भी काफी है। हाँ, पीछे 3 लोगों को बिठाना मुश्किल है और अगर आप बहुत लंबे हैं तो ड्राइवर सीट का ट्रैवल रेंज आपको थोड़ी निराश करेगी। बाहर से डिजाइन में ज्यादा फर्क नहीं है, गाड़ी अब भी काफी स्टाइलिश है और अग्रेसिवली स्टाइल हेडलैम्प्स के अलावा डे टाइम रनिंग लाइट्स भी है। आगे ये स्किड प्ले जैसे इंसर्ट है और 13 इंच के व्हील्स पर अब भी व्हील कैप्स ही है, एलॉयज नहीं। 1 लीटर रेडी गो को पहचानना हो तो नजर टेल गेट पे इस 1.0 बैच पर डालिए। अगर डैटसन बाहर से लुक को थोड़ा और यूनिक बना देती तो गाड़ी थोड़ी और स्पेशल महसूस होती। तो क्या आपको रेडी गो 1 लीटर को 0.8 के ऊपर चुनना चाहिए? बिल्कुल, मेरा तो कहना है कि अगर आप रेडी गो ले रहे हैं तो फिर 1 लीटर वर्जन ही लीजिए। गाड़ी का ज्यादा परफॉर्मेंस उसे एक्साइटिंग तो नहीं बनाती है, लेकिन ड्राइविंग एक्सपीरियंस को थोड़ा स्मूथ, थोड़ा रिस्पॉन्सिव जरूर बनाती है। खास करके अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं या फिर अपने परिवार और उनके सामान को साथ लेना चाहते हैं तो फिर ये बड़ी इंजन के फायदे आपको जरूर महसूस होंगी। डैटसन रेडी गो 1 लीटर का प्राइस प्रीमियम 0.8 के ऊपर होगी तकरीबन 25,000 से 30,000 रुपए के लिए और जो बेनिफिट से गाड़ी लाती है उसके लिए वो प्रीमियम जायज है। अपने शहर में डैटसन रेडी गो के प्राइसेस जानने के लिए क्लिक कीजिए यहाँ पर या फिर नीचे गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर।